थिएटर्स में सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने और नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद जवान अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 2 नवंबर यानी SRK के बर्थडे वाले दिन जवान नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी। जवान ने अब तक थिएटर से 1150 करोड़ प्लस का भी कलेक्शन कर लिया है और ये नंबर काफी ही इम्प्रेसिव है और मूवी स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रही है। इसी के साथ रूमर्स तो ये भी हैं कि डंकी का फर्स्ट टीजर या ट्रेलर भी हमें 2 नवंबर को देखने को मिल सकता है, जहां अब की बार SRK हमें अपने एक्शन से नहीं बल्कि इमोशन से थिएटर जाने पर मजबूर करने वाले हैं। डंकी बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप मूवी है 2023 की और इसकी रिलीज डेट 22 दिसंबर है, तो ये सही टाइम होगा इसका फर्स्ट लुक रिवील करने का और देखना ये होगा कि क्या SRK एक साल 1000 करोड़ प्लस की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं।